एपिसोड की शुरुआत से पहले तुम लोगों एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का 20K होने वाले है। इसी वजह से तुम लोग क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे हमारा जो एम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी होगा हमारे लिए। सो तुम लोगों को मैं बता दिया हूँ और इधर में एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन का सीन दिखाया जाता है। लिन अपने कपड़े को उतार रही होती है क्योंकि वो रहने के लिए जाएंगी और इधर वो कुछ सोच भी रही थी। और तभी हमें सीन सीन तो कर दिखाया जाता है हूफ क्लैन का राजा का सीन, जहाँ पर वो अपना कुछ स्ट्रेटजी बना रहा होता है लड़ाई में वो लोग कैसे हॉर्न क्लैन को हराएंगे। और इधर वो लोग बोल रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि हॉर्न क्लैन के लोग तो ऐसे भी हमारे लोगों से कम है और कुछ दिन पहले वो लोग लड़ाई कर चुके हैं तो ऐसे भी हम लोग ही जीतेंगे। और तभी वो कुछ आवाजों को सुनता है और फिर वो बाहर आकर जब देखता है तभी वो देखते है कि वहाँ पर हॉर्न क्लैन के लोग आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और इधर वो घोड़े पर बैठकर ही उन सारे लोगों को मारने लगते हैं। और तभी हमारे राजा का सीन दिखाया जाता है, यानी हूफ क्लैन के राजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है हाँ वो लोग बहुत कम है, हम लोग उन लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन वो लोग अलग ही स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, यानी घोड़े के ऊपर ही वो लोग बैठे हुए ही हमला कर रहे हैं। और तभी वो बोलने ही लगता है तभी रून बोल देती है हमारा आज का हो गया है, हम लोग जाते हैं। शायद से ये सभी यूटू का ही प्लान होगा, रात में अटैक करके बहुत लोगों को घायल करने वाला। और फिर इधर में दिखाया जाता है राजा इस बात यानी इस बात को देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और इधर में राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ये बात सुन लेती है कि उन लोगों का प्लान जो था वो सक्सेसफुल हो रहा है और सिगुरन ने ही सब कुछ कर दिया है। इधर वो बहुत ही ताकतवर भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो हमारे राजा का सीन को याद करने लगती है, यानी कि यूतो का बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर यूतो ने बोला था वो अब मेरी बहन है, इसी वजह से वो क्लैन भी हमारा ही क्लैन है, तुम लोगों को उन लोगों का क्लैन का मदद करना पड़ेगा। और जब उसने मारा था उससे खून भी निकलने लगे थे, यानी उसके हाथ से खून भी निकलने लगे थे, लेकिन तब भी वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा था क्योंकि वो लोग ने जो बोला था इससे पहले एपिसोड में जो हुआ था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पे है। और जब वो ये सभी सोच कर शर्माने लगती है, यानी कि लीन शर्माने लगती है, बट भी एक सेना से कोई आ जाता है और जब वो बोलने लगता है उल्फ क्लैन के लोग वहाँ पर आ चुके हैं। और तभी लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि ढूंढ रही होती है यूतो को। और तभी यूतो भी वहाँ पर आ जाता है फेल्सिया के साथ और इधर यूतो अपना हीरोइक पोजीशन यानी पोज देने लगता है। और तभी वो बोलने लगता है हाँ तुम भी सबको लीड करोगी। और तभी वो सारे लोगों को आदेश दे देता है कि तुम लोग दारू और जो खाना चाहते हो वो लोग खा लो। ये बात सुनकर लिन भी शॉक्ड हो जाती है और इधर वो बोलने लगती है भाई आप ऐसा क्या बोल रहे हो, इधर लड़ाई करने जाने हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यू तो बोलने लगता है ये भी मेरा एक स्ट्रेटजी है, सो तुम देखते जाओ क्या होता है। इधर हमें दिखाया जाता है एक सीन पर जहाँ पर सिगुरन एक पेड़ के ऊपर से कुछ खाकर हूफ क्लैन के वो देख रही होती है। हाँ ये HOOF क्लैन है, इसी कारण से मैं इसे प्रोनाउंसेशन हूफ क्लैन से ले रहा हूँ, उल्फ और हॉर्न क्लैन तो दोस्त ही है। तभी हमें दिखाया जाता है सारो लड़ाई का सीन हो जाता है और इधर वो लोग भी लड़ाई करने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है उल्फ क्लैन का जो किंग था वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और इधर वो सोच रहा होता है वो लड़की जो उल्फ क्लैन से आई थी उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा, और इधर वो उसे ढूंढने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है किंग का सीन जहाँ पर वो देख रही होती है सारे लोगों को और इधर वो सोच रही होती है कि हमारा शक सही निकला, जो दुश्मन क्लैन का राजा था वो यहाँ से ही आएगा और हमें किसी तरह से उसे रोकना पड़ेगा, जिससे अगर हम लोग इसे रोक ले तो इजीली हम लोग इसे हरा पाएंगे। और जब वो ऐसा खुश हो ही रही थी तभी वो देखती है दुश्मन क्लैन के राजा का फेस, जहाँ पर वो बहुत ही भयानक लग रहा था और इधर सारे लोग उसे देख कर बहुत ही डर जाते हैं और इधर लिन भी उसे देख कर डर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है राजा का सीन जहाँ पर सारे लोगों को वो मार रहा होता है और इधर लिन सोच रही होती है हम तो अब हार चुके हैं, इधर वो बोलने लगते हैं बचाओ बड़े भाई। और तभी हमें यूट्यूब का सीन दिखाया जाता है जब वो सोचने लगता है हाँ मेरा शक सही निकला, जैसे कि मैंने सोचा था वो हमारा कमजोर वाला साइड से ही अटैक करेगा और उसने ऐसा ही किया तो हमें वो करना ही पड़ेगा। और तभी वो आदेश देता है सिगुरन को और इधर सिगुरन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है सिगुरन और इधर में दिखाया जाता है सिगुरन और हूफ क्लैन के राजा का लड़ाई का सीन, जहाँ पर वो तुरंत को अपने हथियार से गिरा देती है यानी घोड़े से गिरा देती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो क्योंकि हूफ क्लैन का राजा उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी सिगुरन ने अपने कताना निकाल कर उसके जो हथियार था उसे ही तोड़ देती है। ये सब देखकर राजा भी शॉक्ड हो रहा होता है, इधर वो सोच रहा होता है कि आर्डन को कौन काट सकता है। और तभी वो देखता है तो उसके ऊपर भी अटैक करने वाली थी, इसी वजह से वो अपना जो एक मिनी शॉट की तरह कुछ ले रहा था उसे
बचने की कोशिश करता है लेकिन वो भी टूट जाता है, इसी वजह से उसके ऊपर ही वो अटैक हो जाता है। और इधर उसके बहुत सारे ब्लीडिंग निकल चुका था और इधर वो मरने लगता है। और तभी वो बोलने लगता है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बहुत ताकतवर योद्धा से लड़ पाया और हार चुका हूँ। फिर इस हथियार का नेम क्या है? बट भी सिगुलेन बोलने लगती है, इस हथियार का नेम कताना है और मुझे भी इतना कुछ पता नहीं इसके बारे में। और तभी वो बोलने लगता है, यानी कि हुफक्लेंग का राजा बोलने लगता है, हाँ ये वर्ल्ड बहुत बड़ी है, इसी वजह से क्या 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 इस वर्ल्ड में है हमें भी नहीं बताया। तभी वो अपनी आखिरी सांस लेता है और देर वो बराबर ही मर जाता है। इधर सिगुलेन भी अपना हाथ उठा देती है और इससे वो लोग जीत चुके थे। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है एक बात का सीन, जहाँ पर फेलिसिया और सिगुलेन और हमारे यू तो एक साथ ही नहा रहे होते हैं, यानी एक हॉस्पिटल की तरह जगह पर नहा रहे होते। और इधर वो गुफलैंड का ही राजा का ही था। जब वो लोग ऐसे बातें करने नहीं लगते हैं तभी वो एक आवाज सुनते हैं, वहां पर कोई आ रहा है। और इधर सिगुलेन भी अलर्ट हो जाती है और इधर वो अपने कताना वहां पर से निकाल कर उसके ओर दिखाने लगती है। और तभी दरवाजा खोलता है और वहां से निकल के आती है लीन। और इधर वो बोलने लगती है कि मैं भी नहाने आई हूँ। और इधर वो तीनों ही नहाने ही लगते है। और तभी वो आकर यूतो को बोल देती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर फिर से बोलने लगते है, इतनी जल्दी तुमने बात भी बोल दिया, और वो भी इस जगह पे, तो बहुत ही बड़ा क्राइम हो चुका है। और इधर ये बात सोचकर बहुत ही शर्माने लगती है, यानी कि लीन शर्माने लगती है। तभी हमें दिखाया जाए फिर से बोलने लगती है, अगर तुम्हें कुछ रिक्वेस्ट करना था तो तुम्हें पहले उसका पेट को साफ करना था, जिससे वो अच्छा तुम्हारा बात सुनता। और इधर हमें दिखाया जाता है लीन भी बोल लेती है, हाँ मैं तो करूंगी। और इधर हमें दिखाया जाता है यूतो का सीन, जहाँ पर बहुत शर्मा रहा होता है क्योंकि लीन उसके पीठ को रगड़ रही थी। और इधर वो इतने शर्मा गया था कि वो बोल लेता है कि मैं अब नहीं हो, यानी कि मैं नहीं कर सकता है। और इधर हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, उसे भी बता देता हूँ कि सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात से कि सिगुलेन और फेलिसिया को, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो भी करेंगे लेकिन वो उन लोगों को करने का मौका नहीं मिलता है। और इधर में सीन सिर्फ तो कर दिखाया जाता है वही शादी वाले बात का सीन, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं इस बात को लेकर। और इधर तभी बोल देती है, तुम्हें इतनी जल्दी ये क्यों बोलना था और तुम इनसे क्यों शादी करना चाहती हो? तभी वो बोलने लगती है, इधर वो बहुत पर्सनल बातें बोल देती है, डिस्कशन करते हैं एक साथ ही डिस्कशन करेंगे। वो बोलने लगती है, मेरे जो फादर थे वो मेरे साथ यानी मुझे बहुत पसंद करते थे, आप लोग वो वाला पसंद मत समझना, ये प्यार था बेटी और फादर का। इसी वजह से उसके फादर ने जब वो मरे तब इनको ही रानी बना दिया गया था। और इधर लिन ने देखा था कि सारे लोग इस बात से बहुत दुखी थे और बहुत लोग तो उससे सिरने भी लगे थे, बहुत लोग इस बात को लेकर गुस्सा भी थे। ये बात लिन को पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक लड़की थी लेकिन उसके साथ ही वो इतना कुछ संभाल नहीं सकती है, इसी वजह से वो तो उससे शादी करना चाहती है, जिसे दो क्लेन एक साथ ही मिल जाए और इधर वो बड़ा क्लेन बन जाए। और यू तो है स्मार्ट, इसी वजह से वो दोनों ही क्लेन बहुत अच्छे से रख पाएगा। और उसने देखा था, यानी कि लिन ने देखा था कि वो उस क्लेन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आता है, इसी वजह से वो बोलती है। जब उसने रिक्वेस्ट भी किया था, और जब फेलिसिया को ये बात बहुत पसंद आती है कि हम लोग दो क्लेन एक साथ मिलकर एक बड़ा क्लेन बन सकते हैं। और इधर वो बोलते हैं, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा सौदा है जो कि हम लोग यानी सोच सकते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी वो बोल लेती है कि हम लोग इसका रिप्लाई बाद में करेंगे। और इधर लिन भी बोलती है, मुझे आप लोगों का जवाब का इंतजार रहेगा। और इधर वो वहां से चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है तो उसके बाद वाला सीन, जहाँ पर शायद सुबह हो चुका था और इधर वो कुछ त्योहार के लिए रेडी हो रहे थे, फिर से यूतो को कपड़ा पहना रही थी। इधर वो लोग बातें भी कर रहे थे कि दो क्लैन आपस में जुड़े तो क्या होगा। और इधर फिर से भी बोल रही थी कि भाई उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। और इसके वजह से भी यानी इसके लिए भी कुछ वजह थी क्योंकि यू तो एक अलग से वर्ल्ड से आया था और इधर कभी भी उसे जाना भी पड़ सकता है। इधर वो खुद भी नहीं जानता वो कब चला जाएगा, इस वजह से उसे तो इस का तो किसी को देना पड़ेगा। और ये फेलिसिया को भी वो देगा लेकिन वो प्ले तो एक क्लेन को संभाल नहीं पाएगी, इसी वजह से उसे कुछ भी तो करना था। और इधर फेलिसिया भी चाहती है कि यूतो बच जाए, लेकिन यूतो का भी फैमिली है उस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में भी वो बन चुका है एक फैमिली की तरह। और इधर फेलिसिया भी बहुत दुखी थी और इधर वो सोच रही थी कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो। और तभी यूतो भी समझ लेता है फेलिसिया की बातों को कि वो सच सोच रही है कि अगर मैं चला जाओ तो फेलिसिया को ये सब संभालना पड़ेगा तो मैं कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है यूतो बोलने लगता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम तक रहूंगा। और तभी ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और तभी बोलने लगती है, मैं आपके और लीन के साथ ही
रुकवा दूंगी। इधर वो दोनों ही खुश हो जाता है और तभी हमें एक सीन में दिखाया जाता है एक लड़का और एक बुढ़े को, और इधर वो लड़का बहुत ही अलग सा स्माइल देता है और ये बढ़िया एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर।